टाइटू बनवाया है कि आजे बनवाया है, ऐसा नहीं ना खाली फोटो खिंचवाने के लिए बनाया है। चलिए बहुत धन्यवाद बेटा। क्या नाम है? अंगद कुमार। इस टैटू को हटा देना, यहाँ पे अपनी मम्मी का टैटू लगा लेना, क्योंकि इस जीवन पे अधिकार आपके माँ का ज्यादा है मेरे से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। टैटू बनवा लेने से अगर कोई महान हो जाता तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भगवान राम की, भगवान कृष्ण की टैटू बनवा के भगवान बन जाती। मेहनत करने से इंसान बड़ा होता है बेटू। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपकी बहुत उम्र है अभी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप एक गरीब परिवार के बेटा हैं। और अब हमरा लगे कितना पैसा भरे ले, इधर धर 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 धर, इसको फिर से मिटवा के इसी पैसे से अपने माँ का टैटू बनवा लेना। जा Once more. ये मेरा गाना बड़ा फेवरेट है। मैं जिस दिन गाया था ना, उस दिन से ही गाना मुझे लगा जो 2005 में जो हम चूसता टाइप के गाते थे कि चूसता देवरा, उस टाइप का रिदम और बिने बिनाए आकांक्षा पुरी जी और सबका बड़ा योगदान रहा। लकी विश्वकर्मा वीडियो डायरेक्टर है इसके। एक बार मेरे मन से आप दोनों आइए, दोनों आइए, तू भी नाचेगा। बिकी एक काम कर, तू इनके साथ आ जा, मैं इनके साथ आ जाता हूँ। हेलो भैया, सामने सट जाइए। इसके बाद एक और गाना मेरा राजा राम का रिलीज हुआ है, रोके राजा राम यूपी बिहार झारखंड ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है, जिसमें मैं राम की भूमिका में हूँ और हर जगह हाउसफुल है। पहली बार किसी भोजपुरी आर्टिस्ट ने भगवान राम का किरदार किया, मेरे लिए बड़ा टॉप था। बट पराग पाटिल हमारे जो थे उन्होंने कराया मेरे से, और उसमें भी आकांक्षा पुरी का गाना बहुत बड़ा हिट है कि चुम्मा चुम्मा दे दे, उसमें भी परफॉर्म करूंगा मैं। और एक परसों रिलीज हुआ है उसी फिल्म का गाना कमरिया लाली पा 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 पा, तो कमाल का गाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे मन से मैं आपके साथ भी करना चाहता हूं डांस। हाँ, क्लियर करना बड़ा जरूरी है, ना तो लोग दूसरे भाव में ले लेंगे उसको, और आप लोग भी उतना ही काटेंगे सामने से, आप लोग भी उतना ही काटेंगे, मुझे पता है। आपके साथ करना चाहता हूँ, काम हटा दोगे और करना चाहता हूँ लिख दोगे, मुझे पता है। यूट्यूबर भाई आप लोग बहुत खत्म आदमी हो यार। हाँ, ये लो, हम अगर इनसे बोले ना कि आपका लेना चाहता हूँ नंबर, तो ये लेना चाहता हूँ डाल देंगे ना, मारवा काट देंगे। दिक्कत यहाँ कि कौन सा शब्द बोला जाए जिसमें इन लोगों को पब्लिसिटी ना मिले। ये कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं कि खेसारी पूरे दो घंटे के शो में कुछ ना कुछ तो अलग बोल ही देगा, और वही हमारा मसाला हो जाएगा। जिंदगी में एक और चीज देखिए, ईश्वर करे कि आपके सब्सक्राइबर सब लोगों के बढ़े। बट जब जब भोजपुरी भाषा की बात आए ना, अभी मैं बड़ा ट्रॉल हो रहा था, अभी मैं बड़ा ट्रॉल हो रहा था। हाँ, इस गाने के बाद तो एक दिलजीत दोसांझ हैं, बड़े लीजेंड कलाकार हैं, पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मेरा मुंबई शहर का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मुंबई शहर में एक बिहार यूपी का झारखंड का बेटा जाकर और महानगरी में इतने बड़े प्राउड के साथ आए, तो लोगों को अचंभू तो होता। तो मैंने एक ट्वीट कर दिया था, मैं सिर्फ इसलिए किया था, मेरा इंटेंशन दिलजीत दोसांझ को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही पंजाब के लोगों को ठेस पहुंचाना। जो बिहारियों को गलत बोलते हैं,
जो हमारे भाषा को जो हमारे बोली को गलत बोलते हैं, मैं उनके लिए ट्वीट किया था कि देखो बिहार के भाषा का एक लड़का, भोजपुरी भाषा का एक लड़का, देखो महानगर में भी अपना जलवा बिखेरा हुआ है, बिहार रूपी की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन लोगों ने उसको अलग तरीके से ले लिया, लेकिन मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत साथ दिया ट्विटर पे, उसके लिए सबको दिल से थैंक यू, सबको दिल से थैंक यू।